बयान देने में तो माहिर है लोग, बिना तथ्य के बिना झूठ बोले ये लोग रह ही नहीं सकते। सच से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। 20 साल से राज कर रहे हैं आप लगातार, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने सबसे ज्यादा जो है दुकान खोले हो, पंचायत पंचायत तक उन्होंने दुकान खोला शराब का। और अब शराबबंदी हुई है तो लगातार जो है शराब, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं, चाहे छपरा हो, महाराजगंज हो, गोपालगंज हो। आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई लगातार, लेकिन जो पीड़ित परिवार है जिनकी मृत्यु हुई है एक बार भी संवेदना तक मुख्यमंत्री ने या उनके मंत्री या पार्टी द्वारा जो है नहीं जताई गई है। तो अपने बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन सरकार जो है जो बड़ी मछली उस पर कार्रवाई नहीं करती, पीटीआई नीचे करो, क्योंकि सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। दारू अगर उपलब्ध हो रहा है हर जगह तो इसमें सरकार की फेलियर है ना, तो किसी और को कोसने से काम चलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री से तो बिहार संभल नहीं रहा, अब समय भी उनका खत्म हो चुका है। तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देख लें या शराब बंदी की बातें देख लें तो पूरी तरीके से बिहार जो है हाशिए पे आ चुका है।